वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के हवाले से पूछा गया है कि क्या वो था, क्योंकि बाज़ों का ख्याल है कि आपका साया नहीं था। देखें, कुरान मजीद में दो मकामात, एक सूरह राद आयत नंबर 15 और एक सूरह नहल आयत नंबर 18, इन दोनों जगहों पे अल्लाह ताला ने ये बात कही है। मसलन सूरह राद में कहा, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहम व ज़िलालुहुम बिलगुदुवि वल आसाल। जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो अल्लाह को सजदा कर रहा है, और उनके साए भी दिन और रात अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी चीज़ों के साए की बात है, और दूसरी जगह पे अवलम यरो इला मा खलकल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने जो भी पैदा किया है लोग उसको देखते नहीं हैं। यतफय्यु ज़िलालुहु अनिल यमीन व शमाइल, के जो भी अल्लाह ने पैदा किया उस चीज़ के जो साए हैं वो दाएँ और बाएँ अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को, जिन अशिया को पैदा किया है, उनका साया है। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठोस नहीं है, या ठोस तो हैं निगर नहीं है, बल्कि इस तरह की उनकी साख्त और हैयत अल्लाह ने बनाई है कि उनमें सूरज की शुआओं को रोकने की इस्तेआत और ताकत नहीं है। जैसा कि साफ़ और शफाफ, जिस पे कोई कलर नहीं किया गया, शीशा है, अगर आप उसको धूप में रखते हैं तो वो सूरज की शुआओं को रोक नहीं पाता बल्कि अपने अंदर से गुजरने देता है, इसलिए उसका साया नहीं बनता। तो जो भी चीज़ ठोस है, निगर है, वो सूरज की शुआओं को रोकता है। तो सूरज की शुआओं को रोकने वाली हर चीज़, वो जब सूरज की शुआओं को रोकेगी तो उसका आगे आपको साया नज़र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी यही है कि आप कभी साया था, और आपके साए के ना होने की कोई दलील नहीं है। रहा ये मामला कि साया था, इसकी दलील क्या है, तो इसमें दो रिवायात बड़ी मरूफ़ हैं। एक सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत, मशहूर रिवायत है, जिसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो आप एकदम आगे हुए और फिर एकदम पीछे हो गए। तो नमाज़ के बाद जब हमने आपके इस अमल के बारे में आपसे पूछा, तो आपने फरमाया कि मुझ पर पहले जन्नत पेश की गई, तो उसमें एक मुझे जन्नत का एक फल नज़र आया, तो मेरा दिल किया कि मैं वो तुम्हारे लिए तोड़ लूँ। तो जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे हुक्म दिया गया कि मैं पीछे हो जाऊं, तो मैं फ़ौरन पीछे हुआ, तो अचानक से मेरे आगे जहन्नम को पेश किया गया। हत्ता रअईतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम फ़ीहा, ताकि मैंने उसकी आग जब मैंने उस जहन्नम को चूके देखा, तो मैंने फिर अपना साया और तुम्हारा साया भी देखा। यानी जहन्नम जब पेश की गई तो उसकी आग थी, और फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब वो आग थी तो फिर उस रोशनी की वजह से मेरा साया भी बना और तुम्हारा साया भी बना, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को देखा। क्योंकि रसूल अलैहिस्सलाम का ये भी मौजज़ा था कि आप जब नमाज़ पढ़ाते थे तो पीछे जो भी मंज़र होता था वो आपको आंखों से दिखाई देता था, ये आपका मौजज़ा था। तो अगर आपने आगे आग को देखा, तो पीछे भी चूँकि रसूल अलैहिस्सलाम को दिखाया जा रहा था नमाज़ की हालत में, आपका मौजज़ा था कि पिछला मंज़र आपको दिखाया जाता था, तो यूँ आपने अपना और सहाबा का साया देखा, ये भी दलील है आपके साये होने की। दूसरी रिवायत इसमें वो भी मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद है, उसमें यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र पे थे, तो आपकी दो बीवियाँ सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा ज़ैनब, ये दो आपके साथ थीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास दो ऊँट थे और सफ़िया के पास एक था। सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का ऊँट बीमार हो गया, सैयदा ज़ैनब का के पास दो ऊँट थे, तो आपने उनको कहा कि एक ऊँट सफ़िया को दे दो। तो उन्होंने कहा, सोतन होने की वजह से कुछ ज़ाहिर है उनको कुछ रंजिश थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस यहूदिया औरत को क्यों दूँ अपना ऊँट। तो सफ़िया चूँकि पहले यहूदी थी, बाद में मुसलमान हुई हैं, रसूलुल्लाह के पास जब आई हैं, तो अल्लाह के रसूल को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, आप उनसे नाराज़ हो गए। वो फरमाती हैं कि इस कदर नाराज़ हुए कि 3 महीने मेरे पास आए ही नहीं। तो खावन जो है बीवी से वो इला कर सकता है, 4 माह तक उसकी नाराज़गी हो सकती है, तो बहरहाल आप 3 माह तक उनके पास आए नहीं। तो हत्ता कि वो कहती हैं कि मुझे लगने लगा, ये महसूस होने लगा कि अब मुझे मेरे पास रसूलुल्लाह नहीं आएंगे और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह के वक्त में मैंने देखा कि एक साया है, वो थोड़ा दूर से मुझे साया दिखाई दिया। तो जब मैंने देखा उस साये को, थोड़ा वेट किया, इंतज़ार किया, तो फिर देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो सैयदा ज़ैनब का भी बयान है कि उन्होंने आपका साया देखा। तो ये दो रिवायात, और फिर आपके साये के ना होने की कोई दलील चूँकि मौजूद भी नहीं, इनसे ये बात वाज़ह हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी था। रहा यह मामला कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट और नज़रिया, और बाज़ों का ये कहना कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था इसलिए कि आप नूरी थे, नूरी, तो नूरियों का चूँकि साया नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि रसूलुल्लाह का नूर होना ये भी साबित नहीं, और फिर अगर नूर होना साबित आप कर भी दें
तो ये भी कहीं नहीं साबित कि नूरी का या फरिश्तों का साया नहीं होता, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अब सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने जब जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम शहीद हुए उहद के मैदान में, तो उस मौके पे आपने ये बात कही थी कि फ़मा ज़ालतिल मलाइकातु तुज़िल्लुहु, फरिश्ते इस पर साया कर रहे थे, अपना साया कर रहे थे, ताकि तुमने इसकी मैयत को उठा लिया। तो इससे समझ आती है कि फरिश्ते साया करते हैं, उनके परों का साया होता है, और भी रिवायात हैं उनके साये की बात आ रही है। तो ये समझना कि रसूलुल्लाह चूँकि नूरी हैं इसलिए आपका साया नहीं है, तो नूरियों का साया भी होता है, जैसा कि फरिश्तों के साये की बात अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में फरमाई है। और फिर बाज़ों का ये कहना कि साया हो तो इस तरह तो साया होना तो ये बेहरमती हो जाएगी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का साया इस पे पाँव आ जाएगा तो बेहरमती हो जाएगी। तो गुजारिश है कि पाँव अगर किसी का है भी तो पाँव साए के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि साया पाँव के ऊपर आ जाएगा, साया फिर भी ऊपर होगा। तो इसलिए ये समझना कि ये बेहरमती है या ये समझना ये कोई आपके नूर होने की वजह से ऐसा है कि आपका साया नहीं, ये बातें भी लोगों की पेश करदा हैं, लोगों की सोची समझी हैं, शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। इस और शरीयत की बात यही है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का साया था, आप अलैहि सलाम की सहाबा की गवाही आपके बारे में यही है, और आप अलैहि सलाम का की सीरत और आपकी हदीस से यही साबित है।